सही कह रही थी तुम, चीटिंग हुई है तुम्हारे साथ, गलती हो गई हमसे। ये मेडल और ये ट्रॉफी, इसके हकदार तुम हो, ये लो। माफी मांगो लड़की से। सॉरी, वो मैं श्लोक को जिताना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ चीटिंग करी, माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं आंटी, आप तो अम्मी हो ना, वैसे भी अम्मी से कभी गुना थोड़ी ना हो सकता है। अब जैसे मेरी अम्मी है, उन्होंने आज तक एक भी गुना नहीं किया है, तो फिर आप क्यों सॉरी बोल रही है? अरे आपने तो श्लोक को जिताने के लिए चीटिंग किया है ना, तो ठीक है, ये मेडल और ये ट्रॉफी आप ही रखी। नहीं नहीं बेटा सुनो। अरे अजीब हो तुम, सुबह से दिमाग खा गई, मेडल चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, अभी ट्रॉफी मिल रही है तो नहीं चाहिए। लेकिन तभी थोड़ी ना पता था कि चीटिंग मेरी फ्रेंड की अम्मी से हुई है। अरे अरे इसके बाप को बुलाओ कोई, दिमाग खराब हो गया इसका, बोलो उसको यहाँ से लेकर जाए। दिमाग खराब कर दिया है, मेडल नहीं चाहिए, ट्रॉफी नहीं चाहिए। बेटा अभी बहुत रात हो गई है, तुम लोग सोचो, मैं तुम्हारे बाबा को सुबह फोन करूंगी। तो तुम आज यहाँ रुक रही हो, चलो आओ मैं तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ, चलो। सब क्या हो रहा है, किसी की शादी है क्या? बुद्धू शादी नहीं, आज घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम? तो फिर तो घर में बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना, हलवा बनेगा। अलका माँ, बुआ को हलवा खाना है और वो आज कार्यक्रम तक यहीं रुकने वाली है ना? लेकिन बेटा उसके बाबा को तो बताना पड़ेगा ना, वरना उसके बाबा परेशान हो रहे होंगे। तो पूछ लीजिए, ये मेरे अब्बू का नंबर है। जी कहिए। मैं श्लोक की माँ बोल रही हूँ, वो आपकी बेटी है ना दुआ, वो हमारे घर है। अल्लाह का शुक्र कि वो ठीक है, तो रात भर से फोन ही नहीं आया, मैं तो फिक्र कर रहा था उसकी। इसका मतलब दुआ भी डॉक्टर ने दीदी की तरह मुसलमान है, तभी मैं सोचूं कि इसे देख के बार बार मुझे डॉक्टर ने दीदी की याद क्यों आ रही है।